हे एवरीवन, वेलकम बैक टू म्यूजिक मम्मी स्टूडियो। फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आपको तो पता ही है हमारे मेकअप को कंप्लीट करने के लिए हाइलाइटर की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आपको एक बजट फ्रेंडली, एक लाइट वेट सा, एक अच्छा सा पिगमेंटेड आपको हाइलाइटर मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ NYBae का न्यूली लॉन्च NYBae का शाइन एंड शिमर हाइलाइटर का रिव्यू और डेमो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। ये आपको कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मिल जाता है। जो मेरे पास इसका भी शेड है, शेड नंबर 3 है रस्टिक रोज गोल्ड। तो ये रस्टिक रोज गोल्ड शेड है। टोटल इसके आपको 4 शेड मिल जाते हैं। साइड में पिक्चर मेंशन कर दूंगी। इसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 5 ग्राम की इसकी आपकी क्वांटिटी है। और प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इसका है 275 रुपीज। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी शेल्फ लाइफ की तो 3 साल की आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाती है। और साथ ही साथ ये आपको इजीली मिल जाता है पर्पल पे, वहां से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और साथ ही साथ ये आपका एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। अफोर्डेबल प्रोडक्ट होने के साथ साथ ये आपका ट्रेवल फ्रेंडली भी है। देखो कितना छोटा सा है, मिनी सा पैकेट है। आप इसको इजीली कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इसकी इनर पैकेजिंग की। मैं आपको दिखाती हूँ ये आपको किस तरीके से मिल जाता है। ये आपको मिलता है कुछ इस तरीके से। अंदर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। ये फोम सा लगा हुआ है इसको सेफ रखने के लिए। और इसके अंदर आपको ये मिनी सा छोटू सा आपको ये हाइलाइटर मिल जाता है। ये देखिए, तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और इसको हम ओपन करेंगे तो ओपन करके आपको इसके अंदर आपको हल्का सा इसकी सेफ्टी के लिए कुछ एक ये प्लास्टिक का कुछ लगा हुआ है। तो ये इसको सेफ रखने के लिए इसमें लगा हुआ था। और इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए रस्टिक रोज गोल्ड ये आपका शेड है। ये मैंने सिर्फ एक बार स्वैप करा है और ये एक ही बार में कितना अच्छा खासा प्रोडक्ट मेरी फिंगर में आ गया है। और मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक ही स्वैप में, ये देखिए दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए एक ही स्वैप में, मतलब पिगमेंटेशन की बात करें तो कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है। एक ही बार मैंने इसको लिया है और एक ही बारी में देखो आपके स्किन में कितने अच्छे से ये अप्लाई हो गया है। और अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर इसका बहुत स्मूथ सा है, बहुत बटरी सा है, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग, देखो उसकी ब्लेंडिंग देख सकते हो आप, कितने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपका ये। आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपका चंकी पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल कोई चंकी पार्टिकल ऐसा नहीं है कि आपका गिर रहा हो, तो चंकी पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, साथ ही साथ ये आपको देता है एक नेचुरल वाला ग्लो। तो इसमें आपको अलग अलग शेड मिल जाते हैं। मैंने मंगाया था ये रस्टिक रोज गोल्ड, तो इसीलिए आपको रोज गोल्ड लाइक आपको ये देखिए इसका शेड रोज गोल्ड है। तो ये रोज गोल्ड जैसे ही आपको दिख रहा है और एक नेचुरल सा ग्लो आपको देता है, आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं लगता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी शाइन आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए मैं इसको आपको अब अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। ब्रश की हेल्प मैं बिल्कुल नहीं लूंगी क्योंकि मैं आपके साथ इसके पिगमेंटेशन की बात कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पिगमेंटेशन इसकी कैसी है, आप देख सकते हैं। तो इसको जस्ट हम अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा सा ही लेने में काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी आपकी ये लगेगी। तो आप इसके 4 शेड हैं, आप कोई भी शेड इसका ले सकते हैं। पिगमेंटेशन देखो कितनी अच्छे से, कितने अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। और देखो ग्लो भी आपको एक नेचुरल सा ही ग्लो दे रहा है, बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है, चंकी पार्टिकल बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। अब इसको अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हम अप्लाई कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो इसके जितने भी हाइलाइटर है ना ये, तो इन्होंने जितने भी शेड लॉन्च कर रहे हैं सारे के सारे इंडियन टोन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं। देखो ब्रश की भी हेल्प बिल्कुल नहीं पड़ी है, कितने अच्छे से अप्लाई हो गया है। इसे रोज गोल्ड शेड आपको फेस पे अप्लाई कर दिया है। तो आप जैसा शेड लेंगे आपको वैसा ही शेड आपके स्किन में दिखने वाला है। ये देखिए, तो मैंने रोज गोल्ड लिया है, रोज गोल्ड अप्लाई करा है, तो रोज गोल्ड वाला शेड ही मेरे फेस पे आपको भी नजर आ रहा होगा।
हाइलाइटर को हाईली रेकमेंड करूंगी। आप अपने कलर के अकॉर्डिंग, अपने शेड के अकॉर्डिंग, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई भी शेड परचेस कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और साथ ही साथ आपने देखा कि बिना ब्रश की हेल्प से पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपके फेस के ऊपर। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, मतलब आपको फटाफट से कहीं पार्टी में जाना है तो आप इजीली अपने फेस में हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपको पर्पल पे एक अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और इसका लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मेरे वीडियोस को आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, और साथ ही साथ शेयर करना तो भूल ही जाओ, और बेल आइकन को भी नहीं प्रेस करते हो, तो ऐसा मत करो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, आपको मेरी आने वाली वीडियोस के जो भी होते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे सबसे पहले। मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियोस को मिस नहीं कर सकेंगे, आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है, बार बार बकबक नहीं करूंगी, मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप समझदार हो, आप कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।